घुमाओ घुमाओ, वेरी गुड, टाटा करो, निकल जाओ, चार 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 चार, एक एक स्टेप आ गया, 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 हाँ एक एक स्टेप आ गया, एक एक स्टेप आ गया, आते रहो लेंस पे, आते रहो आते रहो आते रहो, ठीक था ना, ठीक था ना, बढ़िया, हाँ फिर कितना अच्छा लग रहा है, निकल गया उसके बाद क्यों रोल रोल, वन टू थ्री फोर, आइए आकाश, सब बर्बाद हो गए, लेके चला गया, सब लेके चला गया, अच्छा खासा था, तुम लोग पूरा मार मार के उसको एकदम मेरा, चलो आ जाओ अभी, चलो चलो बहन संभाल लो, देखते आप आइए, चलो काट इट, ओके सुपर, और प्रियंका जी इनको साथ ही भेजाइएगा, इनको ना मैं मूड में हूँ लेके जाने, चला मैं इसकी साइज का होके निकला, कौन सी साइज चाहिए, यार इतना भी अच्छा, सुन ले, अगर आप लोगों की बात की जाए तो किसका सबसे अच्छा कैरेक्टर है इस फिल्म में, मेरा, मैं बोल रही हूँ ना, बोल लीजिए, ऑफ कोर्स मेरा है, मैं इस फिल्म में बहुत कुछ कर रही हूँ, अंजना का भी है, तब जिसका ज्यादा है उसी से पूछिए ना, मुझसे क्या पूछ रहे हो, अंजना भी है, किसने ज्यादा की है, जो ज्यादा गाना कर रहा है, जो नाच रहा है ज्यादा फिल्म में, वो चोरी कर रहा है, मैं चोर नहीं हूँ, मैं पुलिस हूँ फिल्म में, अच्छा चोर ये हैं, अच्छा। और मैंने पकड़ने की कोशिश की, लो एक पुलिस दो है चोर के घर में आके रहती है, वो बोलती है पकड़ने की कोशिश कर, ऐसा है हमारा एक्चुअली कॉन्सेप्ट जो है चोर मचाए शोर, वो ऐसा है, जब आप लोग उस फिल्म को देखेंगे ना बहुत मजा आएगा, बहुत ही ज्यादा मजा आएगा, आई थी चोर को पकड़ने और पटाने लगी मेरा बॉयफ्रेंड, यही है इनके नियम, एक मिनट, इन्होंने कुछ अभी मुझे कमेंट पास किया है, पटाने आई थी इनका बॉयफ्रेंड, प्लीज कुछ ढंग से बोलो ना यार, कुछ भी बोल रही हो तो क्या, और क्या बोलो, मेरा हीरो है पूरी फिल्म में, मेरा हीरो चला आ रहा है, मीडिया है आए, सामने यार, तो व्हाट सेट की रियलिटी तो सामने मत लाओ यार, हद होती है, मतलब हीरो मेरा है पूरी फिल्म में, वो मेरे साथ आ रहा है पूरी स्टार्टिंग से, उस पे मेहनत मैं कर रही हूँ, और आप आते हैं और क्या हीरो किसका है एक्चुअल में, हाँ ये थोड़ा ना होता है, किसका भी है, मेहनत तो स्टार्टिंग से मैं कर रही हूँ ना, स्टार्टिंग से मैं मेहनत कर रही हूँ और आप आके बस, आपने स्टार्टिंग से मेहनत की मतलब उनके बाल बनाए क्या किया, गुड मेहनत किस तरह की, मतलब मैं ये जरा जानना, मेहनत अपने ऊपर की, उनके क्या बाल बनाऊंगी, अपने बाल बनाए, अपने आप को सवारा, उनको इम्प्रेस करने के लिए क्या क्या नहीं किया, और बाद में आके पता नहीं क्या टोना टटका कर दिया मेरे हीरो पे, कर पाई बाल बनाया, सजी सजी कुछ भी नहीं कर पाई, रानी है भाई इंडस्ट्री की, कुछ भी कर सकती है, देखिए अंजना जी खुद ये एक्सेप्ट कर रही हैं कि उन्होंने काफी उनको पटाने के लिए कोशिश की, पर मेरे आने के बाद आपने दिल तोड़ दिया, हाँ गुड क्वेश्चन, आई डोंट नो, लोग ऐसे मेरे पीछे पड़े रहते हैं, वो तो देखते मुझे पागल हो गया, नहीं अपने पास से पलट रही, इन्होंने बोला कि इन्होंने पटाया है, फिलहाल हम बात करें चोर मचाए शोर की, आकाश जी के अलावा और कौन कौन है आपके पीछे, रानी जी हम जानना चाहेंगे, देखिए हम तो बात चोर मचाए शोर की कर रहे हैं, नहीं 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 बताइए ना, आप काफी इंटरेस्टेड हैं कि मेरे पीछे, मेरे को जानना ही है ना, ऑफ कोर्स जानना है यार, मेरा बॉयफ्रेंड उठा के लेगी तो मैं जानूंगी नहीं, क्या बॉयफ्रेंड बॉयफ्रेंड यार, चटर्जी के पीछे कौन कौन पड़ा है, नहीं दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, रानी चटर्जी किसके पीछे पड़ी दैट इज इम्पोर्टेंट, हाँ मतलब मैं ये आपको बताऊँ, बता दो ना, अब मैं इन्हें बताऊँ, बता दो ना, नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड, अरे बता दो, हम चोर मचाए शोर की बात करें, अब ये खुद को तो खुद के बॉयफ्रेंड को तो संभाल नहीं पाई, मतलब
एक वो कहावत है ना कि अगर किसी के घर में वो पतीला खुला बैठा तो बिल्ली को तो सोचना चाहिए ना दूसरे का दूध है पीऊं कि ना पीऊं, चली जाओ। ये अपने आप को चली जाए, अपने आप को बिल्ली कह रही है। नहीं, मैं तो इनको बोल रही थी एक्चुअली। अब हम अपनी लड़ाई बंद करते हैं। एक्चुअली आज हम दोनों ने बहुत ज्यादा मस्ती की है सेट पे। हाँ, चलो हम फ्रेंड्स बनी जाते हैं, इसी बहाने हमारी फिल्मों की भी बात हो गई। खड़े हो, खड़े यार, अब साथ में बैठ गई, अब खड़ा कर रहे हो यार। दोस्ती पचा नहीं पा रहे हैं। हाँ, बताओ। देख, वो पचती भी नहीं है। दुश्मनी ज्यादा बिकती है। हाँ। चलिए बताइए जरा फिल्म के बारे में। बताया तो इन्होंने मुझे बिल्ली तक कह दिया। क्या क्या कह दिया यार? नहीं नहीं, वो तो पॉसिबल नहीं है। नहीं, नहीं, लड़के का क्या होगा वो सोचिए आप पहले। लेकिन ये इंटरेस्टिंग होगा देखना पूरी फिल्म में कि हीरो किसे मिलेगा, क्योंकि हम दोनों की जो पूरी फिल्म में हम दोनों इसी तरह से लड़ रहे हैं। एक्चुअली ये जो हम कुछ देर पहले थे, ये हम कैरेक्टर्स में थे, हम दोनों पूरी फिल्म में इसी तरह लड़ रहे हैं, बट एंड में क्या होगा ये देखने लायक होगा। ये तो चोर मचाए शोर देखने के बाद समझ नहीं आता है कि किसने क्या चोरी किया। क्या चोरी? तो फिल्म का नाम है चोर मचाए शोर। आखिर में चोर है कौन फिल्म में? चोर हीरो है और आई थिंक अंजना भी चोर ही है इस फिल्म में। मैं पुलिस हूँ। यस। नहीं, जेल में डांस कर रहे थे। हाँ, मैं थोड़ा डांसिंग वाली पुलिस हूँ, जो डांस भी करती है और एकदम राउडी पुलिस। राउडी पुलिस और यू नो इस फिल्म में सस्पेंस मेरा कैरेक्टर और बहुत ही अलग अलग तरह का मेरा लुक नज़र आएगा। कभी नौटंकी वाली बन के पहुँच जाती है, कभी चोर बन के भी पहुँची हूँ मैं कहीं पर। एक्चुअली मैं चोर से दोस्ती करने के लिए मुझे चोर बनना पड़ा है पिक्चर में। अगर दोस्ती अच्छी हो तो चोर भी बन जाना चाहिए। कई सारे शेड मेरे इस फिल्म में दिखेंगे। अच्छा, हाँ, तो बस मैं भी उसी तलाश में आई हूँ। एक्चुअली मैं उस गांव में, क्योंकि उस गांव में मैक्सिमम सब वही काम करते हैं, गांजा फीम में ही बेचते हैं, वहाँ की लड़कियाँ भी वैसे ही काम करती हैं, तो उसी की तहकीकात के लिए मैं गांव पहुँचती हूँ। और आज उसी का दिखे? जी नहीं, आज हम लोगों का आई थिंक लास्ट डे है। हमारी फिल्म कंप्लीट हो रही है और ये फिल्म का एंड शूट हो रहा है, क्योंकि सब कुछ तो हो जाता है, विलन को भी मार दिया जाता है, सारी चीज़ें हो जाती है, मगर ये फैसला नहीं हो पाता कि हीरो आगे मिलेगा किसको, तो उसकी शूट आज हम करें। हाँ, वो तो फिल्म, ये सस्पेंस है किसको मिलेगा। काफ़ी दिनों तो शूटिंग चली, अंजना जी और रानी की फिल्म की मुझे लगता है मुझे 7 महीने 6-7 महीने पहले हम लोगों ने शूट किया था, फिर चला काफ़ी ज़्यादा फिल्म की शूट हुई है, कुछ कहना चाहते शेड्यूल वाइज हुआ एक्चुअली। इसके शेड्यूल्स कभी मुंबई में हुए तो कभी गुजरात में हुए, कभी आउटडोर बने। और इतने सारे एक्टर हैं एक्चुअली इस फिल्म में, काफी काफी। जैसे अंजना का पोर्शन बिल्कुल अलग था जहाँ मैं नहीं थी, मेरा पोर्शन अलग था जहाँ अंजना नहीं थी, गांव का पोर्शन, मिलन का पोर्शन, तो इतने तो सब। ये पूरी फिल्म ट्रैवलिंग है, थ्रू आउट फिल्म ट्रैवल करेगी हर जगह, कहीं स्टे नहीं है कि एक पर्टिकुलर गांव में ही स्टोरी खत्म हो रही है, ऐसा नहीं है। कभी रेलवे स्टेशन है, कभी शहर है, कभी पुलिस स्टेशन है, थ्रू आउट ट्रैवलिंग है फिल्म में। आकाश के साथ आपका पहले आप ज्यादा कंफर्टेबल थे? पहले थी, बाद में नहीं थी। बाद में मतलब इनकी तरफ देखने के बाद आपने कहा नहीं? पहले थी, फिर अब क्या बोलूं, ठीक है, कंफर्टेबल थी। आप ऐसे क्यों प्रूव करें कि इष्ट के दुश्मन है? इन्हें बहुत खटकता है कि इनके जो कल में जो बॉयफ्रेंड है वो मेरे पीछे लगे हैं। नहीं नहीं, सॉरी, करेक्ट योर वर्ड्स, आप उसके पीछे लगे। एक्सक्यूज मी अंजना, ऑफ कोर्स गाना तो वही हो रहा है। संभालना चाहिए था ना इन्हें? संभाल तो रही थी। कैसे संभाला? ऐसा ठीक है, आदमी है, जेल में बात करें मेरे साथ में, क्या करें इससे ज्यादा। नहीं, हम तो बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो यहाँ पे बॉयफ्रेंड को लेकर लड़ाई चल रही है, अगर रियल लाइफ में बात करें तो किस बात को लेकर लड़ाई होती है आपकी? बॉयफ्रेंड को लेकर होती है क्या? नहीं नहीं, बॉयफ्रेंड को लेके तो नहीं होती। नहीं, हम रियल लाइफ में नहीं लड़ते। नहीं लड़ते, कोल्ड वॉर होता है कभी कभी। उड़ती उड़ती हवाएं कुछ आ जाए, कुछ कान में निधर से निकल जाए, कोल्ड वॉर हो जाता है। जैसे वैसे कुछ दिनों पहले हमने एक पोस्ट भी किया था हम दोनों ने, क्या लिखा था हमने? क्या लिखा था आपने? लिखा था कि अब हम दोनों के बीच हवा को भी पास नहीं होने देंगे। हाँ, ऐसा कुछ, ऐसा कुछ हमने अच्छा मैसेज भी दिया था। आपने चोरी किया था, रियल लाइफ में चोर हम तो कुछ संदेश देंगे, कैसे चोरी किया जाए? कैसे मैं ये बताऊंगी कि कैसे चोरी किया जाए? बिल्कुल मत चोर करना। देखो, कोई को चोरी करना बहुत बड़ा पाप है, नदी किनारे सांप है वही तुम्हारा बाप है, और साथ में मेरी पुलिस बैठी पकड़ लेगी आपको। अच्छा, कहाँ डालिएगा? जेल है आपके पास?
बिल्कुल है, इंडिया में तो बहुत सारी जेल है जहाँ डाला जा सकता है। अच्छा, अगर चोर इतना खूबसूरत हो तो शायद पुलिस वाला अगर इतना खूबसूरत हो, पुलिस वाले इतनी खूबसूरत हो तो मुझे लगता है हम सब चोर बनना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, इन सब के लिए जेल ढूंढनी पड़ेगी। सबका हर आदमी चोर बनना चाहेगा। अच्छा आपको बताओ, ये जो हमारी इंस्पेक्टर है पुलिस में, ये गाना बहुत अच्छा गाती है और अभी होली का मौका है, मैं चाहूंगी कि फागुन के टाइम पे कुछ कुछ है ना गाया। नहीं, कहाँ सुन लिया मेरा गाना, YouTube पे सुनते हैं भैया। गाने तो रश्मि कमल बड़ी बड़ा तूफान मचाया था, लेकिन मैंने गाया नहीं था। मतलब आपका ही गाना है, कहा तो आपका ही है, आप फीचर कर रहे हो उसमें। हाँ बिल्कुल, अभी मेरा एक और आ रहा है, दिल दिया गल्ला कवर सॉन्ग आ रहा है एक नया, लेकिन मैंने गाया नहीं है, बट अंजना बहुत अच्छा गाती है। नहीं नहीं मैं नहीं, आप क्या गाए? कुछ भी गा लीजिए, चलिए गाना गाइए होली का टाइम, आपका ही कोई गाना गाइए होली के। तो इतने सारे मेरे होली के जो गाने हैं वो मुझे याद ही नहीं है एक्चुअली। किसी का होली का गाना याद? किसी का गा दीजिए, तुम ही गाओ ना, मैं तुम्हें ज्वाइन करती हूँ। नहीं मुझे नहीं आता। होली फिल्म का मुझे ज्वाइन करना। होली के दिन दिन खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं, गिले शिकवे भूल के दोस्तों दुश्मन भी गले मिल जाते हैं। होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। हैप्पी होली, हैप्पी होली गाइस। एडवांस में इतने खूबसूरत गाने के बाद मतलब दुश्मनी तो खत्म हो गई होगी। बिल्कुल। हाँ दुश्मनी है नहीं, आप बार बार क्यों उसी पे ऐसे पॉइंट कर रहे हो, दुश्मनी दुश्मनी स्टोरी तो यही चलेगी। मेरे सभी भोजपुरी दर्शकों को मेरा प्रणाम, और एक सरप्राइज पैकेज इस फिल्म के अंदर चोर मचाए शोर में, तो शायद ये पूरा खूबसूरत सा गेटअप उसी के लिए मैंने किया है तैयार। और ये गेटअप देख के चोर क्या कोई भी शोर मचा सकता है? हाँ, लेकिन अभी मैं चाहती हूँ कि मेरे हीरो ही खाली शोर मचाए। जरा उनके बारे में बता दीजिए हमें। आकाश सिंह जी नाम है उनका, और उन्होंने इससे पहले एक फिल्म की थी पवन जी के साथ, तेरे जैसा यार कहाँ, और कुणाल सिंह जी हैं जो हमारे बहुत ही अच्छे एक्टर हैं, उनके बेटे हैं, तो उनके साथ भी काम करने का मतलब एक कह सकते हैं सरप्राइज है, तो बस उतना ही है, लेकिन अच्छा लगा उनके साथ काम करके। और मुझे जी के साथ आपने बहुत सारी फिल्में की होंगी, बेटे के साथ फिल्म पर नहीं, कुणाल जी के साथ मैंने सिर्फ सहनशाह की है जी, इसके अंदर बहुत एक दो सीन के लिए ही थी मैं, ज़्यादा कुछ काम नहीं था उनके साथ, बट उन्होंने इस कैरेक्टर के लिए अगर मुझे याद किया है तो उसके लिए भी मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी उन्हें। इसमें और दो खूबसूरत लड़कियां हैं और काजल ने भी गाना किया है, बड़ी सारी हीरोइनें हैं और बहुत सारा ऑडिशन ऑडिशन भी होने वाला है। नहीं नहीं, हम लोग कैसे हैं ना, मैं और काजल जी हमने आए और परफॉर्म किया और परफॉर्म करके चले गए। उनकी मेन जो चैन है वो अंजना सिंह जी, हॉट केक एंड ऑफ कोर्स क्वीन ऑफ भोजपुरी इंडस्ट्री रानी चटर्जी जी। ऐसा वाला था तो नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है हाल फिलहाल में। दोनों हीरोइनें अभी सेट पे झगड़ा कर रही थी एक दूसरे के साथ, मेरा रोल छोटा है आपका रोल बड़ा है। हाँ क्योंकि एक्चुअली नहीं ऐसा नहीं, सबका रोल इक्वल है, लेकिन हीरो मैं लेके चली गई ना, हीरो मेरे पास है। तो ये सस्पेंस था जो उन लोगों ने छुपाया था वो आपने खोल दिया? नहीं एक्चुअली कुछ ऐसा नहीं है, मैं चाहती हूँ कि मैं जहाँ रहूँ वहाँ हीरो मेरा रहे। क्या बात है, भले कोई कितना भी लड़े। बिल्कुल बिल्कुल, मैं चाहती हूँ हीरो मेरा रहे। प्रियंका जी, ये तो बात हुई चोर मचाए शोर की, और जरा अपकमिंग मूवीज और प्रोजेक्ट्स के बारे में भी बताइए। नहीं सबसे बड़ा पहला धमाका तो ये कि मैंने अपना नाम ही चेंज कर दिया है, ये मैंने कुछ टाइम पहले ही किया क्योंकि मुझे ऐसा लगा मुझे करना चाहिए, तो मैं प्रियंका पंडित से मैं गार्गी पंडित हो गई हूँ। अच्छा आपने बहुत सारे चेंजेस किए, अपने आप में भी चेंजेस किए? हाँ बिल्कुल, देखिए मैं बहुत ज़्यादा पहले से मैंने आई थिंक बहुत नहीं मतलब मैंने बहुत ज़्यादा वेट रिड्यूस कर दिया है, और अभी भी कुछ है करने के लिए और थोड़ा बहुत कर दूँगा। नहीं मिलता है खाना, लेकिन क्या होता है ना घर पे ज़्यादा खाएं फिर प्रोडक्शन में मिलता नहीं है ना, तो सोचे घर पे कम खाने की आदत डाल लें तो बैलेंस हो जाता है। नाम चेंज करने के पीछे कोई खास वजह? प्रियंका पंडित के गार्गी पंडित बनने के? जी एस्ट्रोलॉजी मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ, तो ऑफकोर्स मेरे एस्ट्रोलॉजर के कहने पर मैंने चेंज किया है, और वो फ़र्क ये है कि मैंने काफ़ी ज़्यादा चेंजेस उस नाम की वजह से हो गए, और फिर दर्शकों ने प्रियंका पांडे पहले था, प्रियंका पंडित में भी पसंद किया, गार्गी पंडित में भी पसंद करेंगे, किरदार मायने रखते हैं।
हैं आर्टिस्ट के, नाम तो ठीक ही है। अगर मैं आनंद से नाम बदल के आदर्श कर लूँ तो क्या 25 किलो वजन मेरा कम हो जाएगा? नहीं, वो 25 किलो आपके लिए नहीं, मुश्किल है, थोड़ा सा मुश्किल है आपके लिए, लेकिन आप कर सकते हैं नाम बदलने से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नहीं मैं नाम बदलने से पहले ही मैंने 15-16 किलो कम कर लिया था। नाम बदलने के बाद कितना कम किया? नाम बदलने के बाद मैंने वजन नहीं कम किया, नाम बदलने के बाद मेरे लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए, लाइक प्रोजेक्ट्स को लेके, इनर फीलिंग्स को लेके, बहुत सारी चीजों को लेके करना पड़ता है। प्रियंका तब भी सिंगल थी, आज भी सिंगल है। आनंद जी को कोई टिप्स देना चाहेंगे? जैसे आनंद जी भी वेट, आनंद जी आप अच्छी अच्छी लड़कियों के साथ रहा करो, जो स्लिम टीम रहा करो, उनका इंटरव्यू लिया करो, उनके आसपास रहो, तो आप मेरे साथ रहिए ज्यादा, आप देखिए दिन पर दिन आप कैसे होते जाएंगे। ऐसी लड़कियां हीरोइन आपको देख के बोलती आनंद जी। ये मैं कहना चाहता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी में और बाकी इन चीजों में प्रियंका विश्वास रखती है, गार्गी विश्वास रखती है? जी बिल्कुल, मैं बहुत ज्यादा, और मैं नहीं, मेरे अलावा बहुत सारे लोग हैं जो एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं, फिर वो अमिताभ बच्चन जी हो कि एकता कपूर हो कि करण जौहर हो, सब बिलीव करते हैं। जहाँ लगता है कि कोई चीज आपकी लाइफ में अच्छी होने वाली होती है तो ऑफकोर्स इम्प्रूवमेंट आप कर सकते हैं। इनका एक खूबसूरत दीवार श्रीदेवी जी हमारे बीच में हुई, आज उनका खुलेदन हुआ है, उन्होंने चांदनी में दुनिया खोल दिया था, आज आखिरी यात्रा में होंगे। मैं आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं 3 दिन से मैंने कोई और चैनल लगाया नहीं न्यूज़ के अलावा, और आज जब कल रात को मैंने पहली तस्वीर देखी थी उनकी, जो वो वाइट लिबास में थी, वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग था, और उससे ज़्यादा आज था जब मैंने उन्हें रेड कलर की साड़ी में लेटे हुए देखा, और उससे बुरा कुछ हो ही नहीं सकता देखना, कि हमने कभी इमेजिन नहीं किया था कि इतनी कम एज में हम उन्हें ऐसे देखेंगे। मुझे आज यहाँ पे शूट पे आना था 4 बजे, 4:30 बजे का मेरा कॉल टाइम था, बट मैं भूल गई थी क्योंकि मैं वो सारी चीज़ें देखने में इतना बिजी थी, फिर मुझे याद आया कुणाल जी का फ़ोन आया कि नहीं आपको शूट पर भी आना है। मेरे लिए ये बहुत बहुत ही ज़्यादा मुझे ऐसा लगा कि किसी ने इमेजिन नहीं किया था इस चीज़ को, और मैंने ऑफकोर्स इस चीज़ के बाद मैंने एक छोटा सा वीडियो भी उनके लिए गाने का बनाया है, ट्रिब्यूट दिया है, मैं सोशल मीडिया पे आज शाम को शायद यहाँ से पैकअप होने के बाद अपलोड करूँगी। तो प्रियंका जी उनके बहुत सारे गाने फेमस है, उसमें से कौन से गाने हैं जो प्रियंका जी? मुझे पसंद है जो बलमा उसी पे मैंने बनाया है, मैं आज शायद अपलोड कर दूंगी, ये मेरी तरफ से ट्रिब्यूट। अगर मैं गाने लग गई ना तो मुझे ये लोग कैमरा उठा के फेंक के मारेंगे। नहीं मुझे गाना नहीं आता, गाना गाना तो मैं सिंगर नहीं होती। चोरी करने आती है? चोरी हाँ, मैंने लाखों लोगों के दिलों को चोरी किया है, तभी तो एक्ट्रेस हूँ। तो आपने काफी कुछ चेंजिंग की है, जैसे आपने बताया है 2018 में, तो चोरी में भी कुछ चेंज करने वाले हैं जैसे दिल के अलावा? हाँ हाँ हाँ, अभी मैं नए तरीके से दिल चोरी करने का सोच रही हूँ, जैसे कि पिछले साल मुझे लोगों ने काफी हैवी देखा था, और लोगों को काफी ऑडियंस ने ये कहा था कि भोजपुरी एक्ट्रेसेस बहुत मोटी होती जा रही हैं दिन पे दिन, ये वो तो 2017 में ये चीज हुई थी, अब 2018 में उनको नई प्रियंका मिलेगी, शुरुआत मैंने कर दी है, और एंड तक तो आपको कुछ और भी अच्छा देखने को मिलेगा। थैंक यू प्रियंका। गाने का नाम है एक्सक्यूज मी, जो रानी और अंजना के साथ हम गाना गा रहे हैं, और दोनों ध्यान बटोरना चाह रही है मेरा, और मैं दोनों से एक्सक्यूज मी करके निकला जा रहा हूँ, भागा जा रहा हूँ उन दोनों से दूर। संजय कोरवे जी है हमारे कोरियोग्राफर, म्यूज़िक मधुकर आनंद जी का है, और मुझे लगता है कि ये गाना चार्ट बस्टर होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि रानी और अंजना का ये कॉम्बिनेशन बहुत रेयर है, ज़्यादातर दिखता नहीं अमूमन इतनी आसानी से, और इस बार दिख रहा है तो खींचा तानी के साथ, जिसमें मैं बीच में हूँ, तो जह नसीब, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ऑडियंस को बहुत मज़ा आए। प्रियंका पंडित जी का राज आपने खोल के ऑडियंस के लिए खट्टा कर दिया मामला, वो एक जिन की तरह हैं जो निकल के आती हैं और गेम को बदल देती हैं, वो ऑडियंस देखेगी कैसे होगा। होता क्या है कि जब एक बड़े कास्ट की फिल्म आप बनाते हैं, रानी है, अंजना है, अवधेश जी हैं, मनोज टाइगर हैं, गोपाल राय जी हैं, संजय वर्मा, ऐसे बहुत सारे भोजपुरी के बड़े अभिनेता हैं, और बहुत बिजी अभिनेता होते हैं, लेकिन उनको लेके चलना और उसकी रचना करना एक फिल्म की बहुत आसान मामूली बात नहीं है, तो वो डेट्स हैं, सारी बातें टेक्निकल इशूज़ हैं बेसिकली, लेकिन हम चाहते हैं कि वो सब हमारे इस मुहिम का हिस्सा बने, और इतने बड़े बड़े सपोर्ट जब साथ में हों तो मुझे लगता है कि सफलता ज़रूर मिलेगी। मुझे लगता है लिबर्टी कम मिलती है,
क्योंकि क्या हो जाता है कहीं ना कहीं वो प्रोडक्शन का भार आपके जहन में रहता है, आप जानते हैं कि एक प्रोड्यूसर किस चीज़ से गुजरता है, और मुझे लगता है कि वो चीज़ मेरे लिए बहुत अच्छी बात है क्योंकि मैं वो संवेदना अपने बाकी सारे प्रोड्यूसर्स के साथ रखता हूँ कि किस तरह वो चीज़ों को अरेंज करके, शेड्यूल हो चाहे पैसा हो, फाइनेंस हो, सारी बातें हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, इतनी चीज़ों का कैलकुलेशन करके, उसका आकलन करके हमको एक एक कदम बढ़ाना पड़ता है, तो मुझे लगता है कि प्रेशर थोड़ा ज़्यादा है। आप प्रोड्यूसर आपके साथ ही हैं? जी 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 सर, आपने देखी शूट करते हुए, देखी आपने मजा जी 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 आपको लड़के का काम कैसा बहुत, लगा? बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। आकाश के साथ मैं पहले भी मिल चुका हूँ, बहुत सारी शूट मैंने पहले भी देखी हुई है, बहुत मजे हुए कलाकार हैं इनका। मैंने भोजपुरी जो सम्मेलन हुआ था, भोजपुरी एडवांस फंक्शन में, उसमें भी इनका डांस देखा था, वहीं से मैं बहुत आकर्षित हुआ इनको देख करके कि नई नई इंडस्ट्री में आ रहे हैं और इतना इनके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा है, तो जो काम इनका है वो बहुत अच्छा है। और अभी जो इन्होंने किया वो यहाँ पर देखा, मैंने पहले भी शूट देखा हुआ है, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और बहुत बेस्ट विशेष हैं, छोटे भाई हैं हमारे। थैंक यू। और कुणाल भैया के मार्गदर्शन में चल रहे हैं, तो सदी के महानायक हैं, सदी के महानायक कुणाल भैया, उनके उनके दर्शन मतलब उनके बीच में है तो कोई समझाने की जरूरत ही नहीं है। इतनी अच्छाइयां हैं, इतनी तारीफें कर रहे हैं, तो फिर आकाश को लेके एक फिल्म क्यों नहीं करते? आकाश को लेके अभी मैं बहुत जल्दी अनाउंस करने वाला हूँ, ऑलरेडी मेरी बात भी हुई और इनसे भी बात हो चुकी है, भैया से भी बात हुई, कुणाल जी से, और बहुत जल्दी हम एक शूट पे जाएंगे साथ में, और बहुत अच्छा स्टोरी मेकिंग ऑलरेडी चालू है इनको लेकर के। पहले भी हमारी अभी जो मुहूर्त हुआ था वहाँ मैं गया था, अभी भी मैंने इनको यही बोला कि आपका काम देख के बहुत प्रभावित हुआ और बहुत जल्दी हम साथ में शूट करेंगे। बिल्कुल। आकाश आकाश सवाल ये है कि पिताजी भी आपके हैं इस फिल्म में, आपके सामने है, पिता के सामने थोड़ा डर लगता होगा, एक्साइटमेंट लगती होगी, इतने बड़े लीजेंड के साथ काम करना? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उनकी एक्सपीरियंस का तो खैर कोई जवाब नहीं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रह जाती है जो वो बाद में मुझे समझाते हैं उसके बारे में, और लगता है कि हाँ और बेहतर हो सकता था, और बेहतर हो सकता था, वो नर्वसनेस तो जाहिर सी बात है रहेगा। बिल्कुल। मैं अभी आकाश के बारे में आपको, आप तो देख ही ले सब मीडिया रुपये से याद है पूरा मेरे ताम जम, बाकी मैंने आकाश बाबा का मैंने शोज़ भी किया उनके साथ, काफ़ी अवार्ड शो किया, दूसरा तीसरा अवार्ड शो किया मैंने जी उसके साथ, बहुत ज़बरदस्त डांसर, गुड लुकिंग है, हैंडसम है। अभी हमारे हमारे प्रोड्यूसर साहब भाई ने भी बोला अभी इनको लेके एक फिल्म लॉन्च करना है, हमारे इंडस्ट्री के लिए एक नवा मतलब एक न्यू कमर मतलब एक कुछ मतलब अलग अलग एक अलग स्टाइल का एक हीरो आएगा, तो ऐसा हमारी इंडस्ट्री कुछ ही है भोजपुरी इंडस्ट्री। नहीं नहीं वो तो थोड़ा सा वो मजाक था, वो जो आपने देखा वो थोड़ा सा हम लोग ऐसे कुछ स्टोरी बनाया, ये रानी और अंजना जी के इज़ अ वेरी गुड टैलेंट, रानी जी तो हमारे इंडस्ट्री के आइकॉन है, उनको कौन नहीं जानती, इज़ वेरी गुड एक्टर, और अंजना जी भी इज़ वेरी गुड डांसर, मैंने बहुत उनके गाने किए और मैं तीनों के साथ बहुत इंजॉय किया और मेरे को बहुत मजा आया काम करने में। नहीं मुझे किसी में नहीं लगा, आकाश बाबा इज़ वेरी टैलेंटेड, बहुत स्टाइलिश, जो भी मैंने जो गाना आज जो किया, मुझे इनके पापा का फ़ोन आया था कुणाल सर का, मैं उनको बहुत ऐसा बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, हमारे इंडस्ट्री का बोलता इज़ अन आइकॉन, तो बोला मास्टर जी आपके स्टाइल का एक गाना मुझे चाहिए, तो मैंने करके दिया और मुझे बहुत मज़ा आया, आकाश के साथ भी, रानी के साथ भी, अंजना के साथ, हम में बहुत इंजॉय किया, मैंने बहुत इंजॉय किया। आकाश जी आपकी दो हीरोइन ने अभी वीडियो कैमरे के सामने जी उन्होंने कहा कि भाई हीरो मेरा है, जी 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 हाँ हाँ बिल्कुल हो रही है, और इस बात से मैं नाखुश हूँ क्योंकि मारामारी का कोई निष्कर्ष नहीं निकला, निकलता तो मुझे कुछ फायदा होता, लेकिन अभी तक उसकी उसके इंतजार में हूँ। चोर मचाई शोर बेसिकली चोर की कहानी है और उसके आसपास का ताना बाना बुना गया, आकाश कभी असल जिंदगी में भी कभी चोरी के शिकार हुए, कभी किसी ने पल्स मारा या कुछ? हाँ 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 बहुत बार हुआ है, बहुत बार हुआ है, और बुरा फंसा हूँ, मतलब टिकट रेलवे प्लेटफॉर्म पे रह गई, जेब में जेब कट गया, प्लेटफॉर्म टीसी ने भी उसी दिन पकड़ लिया, बदकिस्मती जब चलती है तो चारों तरफ से, तो ऐसा हुआ है, तो इसलिए चोर से संवेदना है थोड़ी, क्योंकि उसने बटवा काट कर ले गया मेरा, उसमें ज़्यादा पैसे तो होंगे नहीं, अब पता नहीं उसको क्या दिखा कि मैं ही अरबपति दिख रहा था उस रेलवे स्टेशन पे, हैंडसम बॉय देख के काटा काट लिया होगा, बहुत ज़्यादा किया है।
बहुत ज़्यादा, बहुत चोरी किया। हाँ कहीं 10 रुपये पड़े हुए, 5 रुपये पड़े हुए, ले गया लॉजेंस, खाया लॉलीपॉप, पॉपिंस, बहुत कुछ था बचपन में, बहुत चाहते थे, अभी भी हैं, लेकिन अभी प्रयास कर रहा हूँ कि खुद कमाऊँ थोड़ी मेहनत से और करूँ। चोरी तो बहुत हो गई, मकान बनाने दुकान तो बना लेंगे ज़रूर, मकान तो नहीं बनेंगे। बहुत बड़ा खालीपन है, मैं उनका अव्वल दर्जे का फ़ैन रह चुका हूँ और हूँ और रहूँगा। वैसे डांस, वैसे ही अदाकारा, मुझे नहीं लगता कि फिर हमें नसीब होगा, बहुत और काम कर सकती थी। मॉम में कमाल का अभिनय किया उन्होंने, मैं उम्मीद कर रहा था कि और अच्छी अच्छी फिल्में वहाँ से आएंगी, लेकिन खैर ईश्वर को जो मंजूर है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि उनकी बेटी जो अभी लॉन्च हो रही हैं वो शायद वैसा ही काम करके दिखाएं और हमको रुझाएं, मैं वही उम्मीद कर रहा हूँ।